हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर 60 डिग्री का एक कोण बनाती है। तो चाप की लंबाई निकालनी है पहले, उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं जो दिया गया लिख देते हैं, आर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान हमने दे रखा है 60 डिग्री। बस चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर वैल्यू रखने पर थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है आर का मान हमारे पास 21 है, 7 की टेबल से 21 गया 3 बार में, 0 से 0, 6 की टेबल से 36 गया 6 बार में। जो बचाओ नीचे लिखे तो 1/6 इंटू 2 × 22 इंटू यहाँ पर 3, 3 की टेबल से 6 गया 2 बार में, 2 की टेबल से 2 गया, तो चाप की लंबाई हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ गई। सेकेंड इसी में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखने पर थीटा का मान 60 डिग्री है, 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 सेंटीमीटर, 7 की टेबल से 21 गया 3 बार में, 0 से 0, 6 की टेबल से 36 गया 6 बार में, 1/6 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, 3 की टेबल से 6 गया 2 बार में, 2 की टेबल से 22 गया 11 बार में, 11 इंटू 21 करने पर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वैसे से हम त्रिभुज के इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाला 231 आया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्योंकि थीटा की टर्म में तो थीटा लगाना होगा। यहाँ पर वैल्यूज रखने पर 1/2 इंटू आर का मान हमारे पास 21 है इंटू 21, थीटा का मान हमारे पास है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2। √3/2 इसे सॉल्व करने पर 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 21 से 21 को किया √3, तो 441 √3, यहीं तक छोड़ देना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है और थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वैल्यूज निकालनी है, पाई का मान हमें 3.14 लेके चलना है, हमारे पास आर का मान है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये वाला भाग निकालना है तो इस पूरे में से ये उसको माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग हमारे पास आ जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आर स्क्वायर
इंटू साइन थीटा। वैल्यूज रखने पर थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है और 360 पाई का मान हमें दिया हुआ है 3.14 लेना है, 3.14 इंटू आर का मान हमारे पास त्रिज्या 15 है माइनस 1/2 इंटू 15। साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 की टेबल से 36 गया, 6 टाइम में ये गया 3 की टेबल से। सॉल्व करने पर अब इसे 3.14 इंटू 5 इंटू 15 15 माइनस 225 √3/4। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर हमें √3 का मान दिया हुआ है इसका यूज़ करने पर, तो 3.14 15 इंटू 5 75 √2 माइनस 225 इंटू 1.73/4। यहाँ से डिवाइड करने पर 117.75 माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो 97.3125। सेपरेट करने पर तो हमारे पास मान आ जाएगा 20.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हम जानते हैं, ये वाला भाग निकालना है तो हम इस पूरे सर्कल में से लघु त्रिज्याखंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 20.43। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेने पर इंटू आर का मान 15 इंटू 15 माइनस 20.43। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 706.5 माइनस 20.43 घटाने पर 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर।